बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूंग की दाल। मूंग की दाल हमने छिलकों वाली ली थी, इसको हमने 2-3 घंटे पहले भिगो लिया था, उसको छिलके उतार के हमने इसको साफ़ कर लिया है। ये हमने एक पाव लिया है, इसके साथ हमने ले लिया 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। इसके साथ मैंने 1 अदद टमाटर ले लिया, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, टमाटरों को छोटा छोटा काट लिया पीसीस में, और एक हमने दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल हमने ले लिया है, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हम हल्का सा लाइट कलर कर लेंगे प्याज़ों का। प्याज हमारे तकरीबन लाइट ब्राउन से हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर मिर्चें और नमक शामिल कर देंगे और साथ में हल्दी। ये सब डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला हमारा तकरीबन हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। ये शामिल करके हम थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाला हमारा तकरीबन हो चुका है, अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। दाल हमारी हो गई है मिक्स, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है जिसमें हमारी दाल गल जाए। मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, इसमें 5 मिनट में ये दाल बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, तो मैं उस हिसाब से पानी इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दाल हमारी गल चुकी है, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसको गीला कर लेंगे। ये देखें, दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।